अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डील करना है, हमारा लेक्चर नंबर 10 है और हम इसको जो है डिस्कस करेंगे इसमें बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग के हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इसको हम आज डील करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो स्मोकिंग है ये ना सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर कैंसर काज करता है, बल्कि हमारी बॉडी में जो है स्मोकिंग की वजह से और भी डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो होते हैं, और उन सब प्रॉब्लम्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 1 का, ये एमसीक्यूज के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, और शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हम इसको हेडिंग्स की मदद से डील करेंगे और ये आप हेडिंग्स अपनी बुक के ऊपर बनाएंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट है कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। तो जो सिगरेट स्मोक होता है इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स पाए जाते हैं, और ये कहा जाता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग 4000 डिफरेंट टाइप के जो है वो केमिकल्स पाए जाते हैं। आउट ऑफ 4000 ओनली 50 जो है वो हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि कैंसर का सबब बनते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स मौजूद होते हैं, क्लियर। तो इसको हम डील कर लेते हैं। सबसे पहले कार्सिनोजेनिक केमिकल्स का पॉइंट है, और कार्सिनोजेनिक का मतलब ही वो होता है कि ऐसे केमिकल जो कैंसर काज करता है। देयर आर 4000 टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द स्मोक ऑफ सिगरेट। सिगरेट के धुएं के अंदर 4000 डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं, और ये जो केमिकल्स हैं इनमें से 50 टाइप्स के ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, मतलब क्या है कि वो कैंसर काज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि जो हमारे पास कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं इसके अलावा भी कोई और केमिकल्स हैं, हाँ, तो उनको वो क्या है, पॉइजनस केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी में पॉइजन काज करते हैं, क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो सिगरेट स्मोक है अब वो क्या सिर्फ हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट होता है, या सिर्फ रिस्पायरेटरी ट्रैक के ऊपर इफेक्ट होता है, क्या सिर्फ रिस्पायरेटरी डिजीज होती है, नहीं, इसके अलावा फिर क्या पॉइंट है, जो सिगरेट स्मोक है इसका हमारी बॉडी के हेड से लेकर हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन तक इसका इफेक्ट होता है, मतलब हमारे सर से लेकर पांव तक जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सिगरेट स्मोक उनका, उन सब के ऊपर इफेक्ट होता है, क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट को आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है इफेक्ट ऑन बॉडी के नाम से, द सिगरेट स्मोक इफेक्ट फ्रॉम हेड टू टॉय, यानी हमारी बॉडी के सर से लेकर पांव के टुकने तक, या हमारे जो हमारी बॉडी के लोअर पोर्शंस हैं वहां तक जो है ये इफेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, मतलब कि जो स्मोकिंग है इसका हमारी बॉडी के ऊपर और क्या इफेक्ट है, इसका इफेक्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी डिजीज हो सकती है स्मोकिंग की वजह से जिससे जो हमारी लाइफ है वो डेंजर के अंदर आ सकती है, हमें मर जाने का खतरा होता है। द स्मोकर्स हैव मच हायर चांसेस ऑफ डेवलपिंग द थ्रेटनिंग डिजीज, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, क्लियर। ये हमारे पास उसके बाद एक साइड बॉक्स है, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के साइड के ऊपर एक साइड बॉक्स है, इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द निकोटीन, राइट ऑन द इफेक्ट ऑफ निकोटीन। तो क्वेश्चन का आंसर है कि इसको मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, निकोटीन जो है ये ऐसी, अब इसको लास्ट चैप्टर के अंदर भी हम, मतलब हमारी 10th क्लास का लास्ट चैप्टर जो है उसके अंदर भी एक्सप्लेन करेंगे इसको, कि ऐसी मेडिसन होती हैं जो कि नशावर अद्वियात कहलाती हैं, और ये बेसिकली क्या होते हैं, इनके अंदर सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि निकोटीन है क्या चीज। निकोटीन चाय की पत्ती के अंदर भी हो सकती है, निकोटीन इसके अलावा सिगरेट स्मोक के अंदर हो सकती है, और इसके अलावा बहुत जितनी भी नशावर अद्वियात हैं उनके अंदर निकोटीन होने के चांसेस होते हैं। निकोटीन है क्या, बेसिकली निकोटीन एक पॉइजन है। व्हाट इज निकोटीन, निकोटीन इज अ पॉइजन। फिर क्या काम करता है, माजी में इसको हम क्या यूज करते थे, एज ए इंसेक्टिसाइड। What is the mean of insecticide? Insecticide mean we use to nicotine to kill insect. Point clear? फिर ये जब हमारी बॉडी में निकोटीन रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है तो निकोटीन जाने के बाद हमारी बॉडी में जाने के बाद ये हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी वॉल्स को इफेक्ट करता है,
और हमारे ब्रेन सेल्स के ऊपर इफेक्ट करता है। तो ये चार पॉइंट हो गए, निकोटीन इज अ पॉइजन, निकोटीन पॉइजन है। दूसरा पॉइंट है निकोटीन इज यूज एज इंसेक्टिसाइड इन पास्ट, निकोटीन इफेक्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड स्पेशली आल्सो इफेक्ट एंड हार्डन टू द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। एंड पॉइंट नंबर फोर, निकोटीन आल्सो इफेक्ट द ब्रेन सेल इन न्यूरॉन सेल्स। क्लियर हो गया, अब इसको हम डील कर लेते हैं। निकोटीन इज द पावरफुल पॉइजन वाइडली यूज एज इंसेक्टिसाइड इन पास्ट, व्हेन इनहेल थ्रू द टोबैको स्मोकिंग इट रीच टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट हार्डन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, यानी आर्टरीज की वॉल्स को क्या कर देते हैं, सख्त कर देते हैं और उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। आल्सो डैमेज द ब्रेन टिश्यूज, ये हमारे ब्रेन सेल्स को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डेंजर इन डेवलपिंग कंट्री, ये भी हमारा साइड बॉक्स है, ये लोअर पोर्शन के अंदर साइड बॉक्स दिया गया है। इसमें हमें बताया गया है कि जो सिगरेट स्मोक है या सिगरेट जो है डेवलप कंट्रीज के अंदर ये कम हो गया है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर 3.4% पर ईयर एज 2002 ये इंक्रीज हो रहा है, इन 2002 से ये 3.4% डेली बिना पे ये इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज डिक्लाइन इन वर्ल्ड डेवलपिंग वर्ल्ड, इट इज rising 3.4% per years as of 2002, clear? उसके बाद बेटा हमारे पास है कैंसर इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जो हमारे पास ये सिगरेट है स्मोक, सिगरेट स्मोक हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कैंसर का सबब बन सकता है। मैंने यहां एक डायग्राम शो की है, हम इन डायग्राम में डिफरेंट पार्ट्स को वन बाय वन जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग उसको डील करते हैं। मैंने ये डायग्राम बनाई और इसमें आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट नजर आ रहे हैं। अब इसे देखें, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम के जो ऑर्गन है वो हमारे पास है किडनी, तो किडनी के अंदर भी स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा हमारे ओरल कैविटी में माउथ के अंदर जो खालिगा होती है उसके अंदर कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास है लेरिंग्स वॉइस बॉक्स, ठीक हो गया, कॉट वोकल कॉर्ड्स, इसके अंदर जो है वो क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इसके अलावा फीमेल्स में ब्रेस्ट के अंदर कैंसर हो सकता है, और इसके अलावा पेंक्रियास के अंदर, ये लिवर से बिल्कुल नीचे पेंक्रियास होता है जो पेंक्रियाटिक सिक्रीशन रिलीज करता है इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ड्यूडेनम, तो ये पेंक्रियास भी, इसके अंदर भी कैंसर हो सकता है, और इसके अलावा हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ये कैंसर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, अब हमने पहले भी पढ़ी हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, इसके बाद निमोनिया, एस्मा, लंग कैंसर, ये रिस्पायरेटरी डिजीज हैं। डिजीज स्मोकिंग की वजह से ये सारी डिजीज जो हैं ये हो सकती हैं। क्लियर हो गया, उसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, स्मोकिंग जो है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी इफेक्ट हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं ये हमारे ब्लड आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं उनको सख्त कर देते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर ट्यूबर क्लासेस काज करते हैं, इसके अलावा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस काज करते हैं, क्लियर, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपकी बुक के अंदर जो दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली इज अ पॉइजनस गैस। अच्छा, इसका क्या होता है, जैसे ही स्मोक के हमारी बॉडी में जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या करता है, हीमोग्लोबिन के ऊपर ये नहीं इफेक्ट करता। व्हाट इज हीमोग्लोबिन, प्रोटीन होती है जो रेड ब्लड सेल के अंदर, अब रेड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको इफेक्ट करता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। जब हीमोग्लोबिन इफेक्ट होगी तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो सिगरेट स्मोक के अंदर थी उसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, लेसन हो जाती है, क्लियर। उसके अलावा दूसरा इफेक्ट है इसका कि जो हमारी स्मोकिंग की वजह से इस हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स के नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है, और जब ब्लड गाढ़ा हो जाए विस्कस हो जाए तो इसका इफेक्ट ये होता है जो हमारी आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो सख्त हो जाती हैं,
और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। पॉइंट क्लियर? तो दो हमने पढ़े, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा हमने इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। क्लियर? अब ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज एंड लंग कैंसर, साइड बॉक्स है। अब हमारे पास है कि इंक्रीज द, अब ये याद रखिएगा जो ये साइड बॉक्स के अंदर बताया गया कि जो स्मोकर्स हैं वो तो डायरेक्टली जो फिल्टर करके भी होते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा पैसिव स्मोकिंग को। जो नॉन स्मोकर्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि पैसिव स्मोकिंग है, या दूसरे कह सकते हैं सेकेंड हैंड स्मोक, यानी तीन पॉइंट हैं, नॉन स्मोकर्स या पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकर्स, उनकी बॉडी में जो स्मोकिंग जो है वो जो डिफरेंट, उनके अंदर भी डिफरेंट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। जैसे दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि हार्ट डिजीज के जो चांसेस होते हैं, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज 25-30% होते हैं, जबकि जो लंग्स कैंसर है इसके 20-30% चांसेस होते हैं। क्लियर? उसके बाद है इफेक्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ निमोनिया और निमोनिया जो है। अब ये ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली ये भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज है, और ये कब होती है, ये भी जो है वो स्मोकिंग की वजह से जो है वो जो वॉल्व होती हैं उनके ऊपर जो सिक्रीशन, डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड्स हैं, जो म्यूकस है उसके ऊपर इफेक्ट होने की वजह से जो है वो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। अब क्या होगा, स्मोकिंग की वजह से ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस 2-4 times इंक्रीज हो जाते हैं, 2-4 यानी कि गुना जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से। और स्मोकिंग की वजह से जो निमोनिया के चांसेस होते हैं वो 4 times इंक्रीज हो जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑन टीथ के ऊपर, मतलब हमारे दांतों के ऊपर भी जो है वो स्मोकिंग का इफेक्ट होता है। दांतों के ऊपर स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो हमारे जो टीथ हैं इनके ऊपर स्मोकिंग का इफेक्ट, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, वीकनिंग द टीथ। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्टेनिंग ऑफ द टीथ, दांतों के ऊपर जो है वो दबे जो है वो बन जाते हैं, जो है वो जो कि अनप्लीजेंट जो है बिहेवियर जो है वो शो करवाते हैं। और उसके बाद हमारे पास है जो ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जो दांत गिरने का प्रोसेस है वो 2-3 times बढ़ जाता है नॉन स्मोकर्स की निस्बत। क्लियर? और उसके बाद है एक ऊपर एक साइड बॉक्स दिया गया है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो 31 May को मनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और आखिरी पॉइंट आपके नीचे दिया गया है कि जो ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं वो उनसे लोग सोशल डिस्टेंस रखते हैं, उनसे लोग दूर भागते हैं, क्योंकि ताकि उनको डिफरेंट प्रॉब्लम ना हो जाए। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।